हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीएसएस एग्जाम दिस। फर्स्ट वर्ड इज अमेबल। ये एडजेक्टिव है और इसका मतलब होता है फ्रेंडली। तो अगर किसी पर्सन की ट्रेट हो तो बहुत फ्रेंडली नेचर के हो तो वो अमेबल कहलाएंगे। इसके एंटोनिम्स हैं, एक ही एंटोनिम हम करते हैं डिसअग्रीएबल। दूसरा एंटोनिम अनफ्रेंडली भी हो सकता है, इजी है तो लिखने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट इज कार्टोग्राफर। कार्टोग्राफर नाउन है और ये वाला इम्पोर्टेंट वर्ड है, पास्ट पेपर्स में पूछा जा चुका है। इसका मतलब होता है पर्सन हु मेक्स मैप्स, जो मैप्स बनाते हैं डिफरेंट, वो कार्टोग्राफर कहलाते हैं। तो इसका एंटोनिम एज सच कोई भी नहीं है, नाउन है क्योंकि। देन वी हैव डिस्पोंडेंट। ये एडजेक्टिव है और इसका मतलब होता है मिजरेबल या होपलेस पर्सन, हैविंग नो होप या कोई ऐसी अगर बात है तो ये ऐसा डिसीजन है जो मिजरेबल है तो वो भी डिस्पोंडेंट कहलाएगा। तो इसके एंटोनिम्स हैं होपफुल और चीयरफुल। एक्सपैट्रिएट एडजेक्टिव है, काफ़ी ज़्यादा आपने न्यूज़ में पढ़ा होगा, सुना होगा। इसका मतलब होता है रेफ्यूजी और एमिग्रेंट, कोई ऐसा पर्सन जो अपनी कंट्री छोड़ के किसी और कंट्री में रहने लग जाएं, पक्के पक्के उधर ही सेटल डाउन हो जाएं, तो वो एक्सपैट्रिएट कहलाते हैं। इसके एंटोनिम्स होंगे नेटिव। नेटिव मीन्स वो लोग जो अपने कंट्री में जिधर वो पैदा हुए हैं, जिधर से वो बिलोंग करते हैं उधर ही रहें, या इंडिजिनस। अगेन आपने स्पेलिंग्स का खास ध्यान रखना है, उसको अच्छे से याद करना है। नेक्स्ट इज इनएडवर्टेंट। ये एडजेक्टिव है और इसका मतलब होता है नॉट इंटेंशनल, मतलब कोई इंटेंशन से, कोई सोच समझ के कोई काम ना हो, वो इनएडवर्टेंट कहलाता है। इसके एंटोनिम्स होंगे वॉलेंटरी और इंटेंशनल। नेक्स्ट इज लशियस। लशियस भी एडजेक्टिव है और इसके सिनोनिम्स हैं जूसी, मॉइस्ट और सकुलेंट। इसके एंटोनिम्स होंगे डल और अनएपेटाइजिंग। आउस्ट वर्ब है और इसका मतलब होता है टू पुश आउट ऑफ अ पोजिशन। ये वाला भी पास्ट पेपर्स में बहुत दफ़ा पूछा जा चुका है ये वाला वर्ड, और जनरली भी आप बहुत ज़्यादा न्यूज़ में या वैसे भी बुक्स में पढ़ते होंगे। इसके एंटोनिम्स होंगे एक्सेप्ट, एडमिट, या फिर टेक भी हो सकता है, टू टेक सर्टेन पोजिशन, आउस्ट के एंटोनिम। नेक्स्ट इज प्रीडिसेसर। कॉमन वर्ड है, नाउन है। इसका मतलब होता है वन हु केम बिफोर, मतलब पुराने पीछे आने वाले लोग। तो इसका एंटोनिम होगा सक्सेसर। देन वी हैव सैंग्विनरी। ये एडजेक्टिव है और ये आर्काइक लैंग्वेज में, मतलब पुरानी इंग्लिश में ये वर्ड यूज होता था। इट मीन्स ब्लडी और ब्लड थर्स्टी, मतलब ऐसी चीज जिससे बहुत ज्यादा खून खराबा हो, सैंग्विनरी कहलाएगी। तो इसके एंटोनिम्स होंगे कंसिलिएटरी और पीस एबल। एंड लास्ट वन फॉर टुडे, टैरो। ये नाउन है और इसका मतलब होता है नोविस और बिगनर। तो इसके एंटोनिम्स होंगे एक्सपर्ट और वेटरन। ओके, टेक केयर, गुड लक।